सर। ओके चलिए बेटा, हेडिंग डालते हैं अपन इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। तो अब हम पढ़ने वाले हैं कि प्रोजेक्टाइल की ट्रेजेक्ट्री कैसी होगी। तो मैंने आपको बताया था बच्चों कि प्रोजेक्टाइल की ट्रेजेक्ट्री जो होती है वो कैसी होती है, पैराबोला होती है। तो प्रोजेक्टाइल की ट्रेजेक्ट्री जो होती है पैराबोला होती है, और आपने देखा है कि ये पैराबोला कुछ इस तरीके से हुआ करता है। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर किसी चीज़ की प्रोजेक्ट्री पैराबोला है तो उसकी ट्रेजेक्ट्री का इक्वेशन हम निकालेंगे तो वो भी कैसा इक्वेशन आना चाहिए, उसका पैराबोला का इक्वेशन आना चाहिए। बोलो यस और नो। यस सर। हमने लास्ट क्लास में पैराबोला के कुछ इक्वेशन पढ़े थे जो थे वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। इन सबको देख करके आपको क्या पता चलता है, इन सबको देख करके ये पता चलता है कि अगर कोई इक्वेशन पैराबोला में है तो एक वेरिएबल डबल पावर का होगा और एक वेरिएबल सिंगल पावर का होगा। बोलो यस और नो। यस सर। हाँ याद रखिएगा, मैंने मैथ्स में आपको वो स्टैंडर्ड पैराबोला पढ़ाए हैं जो ओरिजिन से जाते हैं, ठीक ना। तो इसका मतलब ये नहीं कि पैराबोला की जिंदगी खत्म हो गई चार पैराबोला पे जो मैंने आपको पढ़ाए थे, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax एंड एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay। आप ये नहीं कह सकते हैं कि केवल हमारी दुनिया में चार टाइप के ही पैराबोला होते हैं। हमारी दुनिया में बहुत टाइप के पैराबोलाज हैं, बट उनमें कॉमन फीचर ये है कि एक वेरिएबल पावर होगी डबल पावर की और एक वेरिएबल पावर होगी सिंगल पावर की। तो एक डबल पावर रहेगा, एक सिंगल पावर रहेगा। अब इनको लेकर के हमको आगे बढ़ना है और आज हम निकालने जा रहे हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। तो आइए देखते हैं बच्चों इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री कैसे निकलेगा। ये मेरे पास वाई एक्सिस है और ये मेरे पास एक्स एक्सिस है, और एक्स और वाई एक्सिस में मैंने यू वेलोसिटी से ये प्रोजेक्टाइल फेंकी थी, यू वेलोसिटी से फायर किया था, और यहाँ पर जूं ये करके ये प्रोजेक्टाइल कुछ डिस्टेंस पर गिर गया था। ओके मैं बात करता हूँ, मेरे पास कोई पोजीशन इस पॉइंट पर है, फायर करने के बाद मेरे पास किसी इस पॉइंट पर टाइम टी है, और टाइम टी पर प्रोजेक्टाइल की पोजीशन है एक्स कॉमा वाई। मतलब इस पॉइंट पर जो प्रोजेक्टाइल है हॉरिजॉन्टली यहाँ तक आने के लिए कितना ट्रेवल किया है, एक्स, और वर्टिकली कितना ट्रेवल किया है बेटा, वाई। बोलो यस और नो। यस सर। मतलब इस पॉइंट पर प्रोजेक्टली जो है हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्टाइल एक्स ट्रेवल किया है, और हॉरिजॉन्टली इस पॉइंट पर प्रोजेक्टाइल ने वाई ट्रेवल किया है। यस तो अब देखिए मैं एक्स डायरेक्शन का टी टाइम के लिए लगाता हूँ इक्वेशन। तो फॉर्मूला क्या होता है, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो एस डायरेक्शन की, एक्स डायरेक्शन की मैं बात करूंगा तो एस एक्स इक्वल टू यू एक्स इन टू टी प्लस वन अपॉन टू एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन प्लस टी का स्क्वायर। एस एक्स टी टाइम पर कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल हुआ है, एक्स डायरेक्शन का एक्स हुआ है, और एक्स डायरेक्शन का यू क्या है बच्चों, सब जानते हो, एक्स डायरेक्शन का जो यू बनेगा दैट विल बी यू कॉस थीटा, और लगने वाला टाइम टी। अक्षत है ना। यस सर। और एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन का जीरो है तो प्लस वन बाई टू जीरो टी स्क्वायर, सो ये तो पूरा का पूरा जीरो हो गया। सो एक्स इक्वल टू कितना आ गया, यू कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाई टी, मतलब टी इज इक्वल टू एक्स अपॉन यू कॉस थीटा। बोलिए यस और नो। यस सर। ओके जितने टाइम पर पार्टिकल ने हॉरिजॉन्टली एक्स कवर किया है ठीक उतने टाइम पर पार्टिकल ने वाई भी ट्रेवल किया है वाई डायरेक्शन में। तो यदि मैं इस इक्वेशन को वाई डायरेक्शन में भी लगाना चाहूँ तो इक्वेशन मेरे पास बनेगा एस वाई इक्वल टू यू वाई प्लस हाफ ए वाई इन टू टी का स्क्वायर। बोलिए बनेगा कि नहीं बनेगा। बनेगा। y डिस्प्लेसमेंट y डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड है, इसको मैं लिख सकता हूँ y, यू वाई इक्वल टू बनेगा बच्चों यू साइन थीटा प्लस वन अपॉन टू एक्सेलरेशन y डायरेक्शन का है माइनस g, और t की वैल्यू तो मैं निकाल चुका हूँ, t दोनों के लिए सेम होगा चाहे x हो चाहे y हो, क्योंकि जितने में ये x पे होगा उतने पे ही y पे होगा। तो t की वैल्यू मैं x अपॉन u cos थीटा का होल स्क्वायर लग सकता हूँ, नहीं लिख सकता। यस सर। ओके सो वाई इज इक्वल्स टू, वाई इज इक्वल्स टू, ओके मेरे पास क्या आ गया, एस इक्वल्स टू यू साइन थीटा, यहाँ पे आ गया है यू, सॉरी बेटा यहाँ पे मैंने इक्वेशन गलत लिख दिया, यू टी होता है, मैं भूल गया था टी लगाना, तो यहाँ टी भी आएगा। तो टी की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे लिखना पड़ेगा मेरे को टी की वैल्यू, मैं ग्रीन कलर से लिख देता हूँ, टी मैं भूल गया था, तो इधर पे यहाँ पे टी मैंने इन्वॉल्व किया तो यहाँ पे टी भी आएगा, और टी की वैल्यू है एक्स अपॉन यू कॉस थीटा। होगी बच्चों की नहीं होगी। यस सर।
यू से यू कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो गया बच्चों, एक्स टेन थीटा माइनस वन अपॉन टू जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। बोलिए यस कि नो। हाँ, अब ध्यान से देखिए, क्या लेफ्ट साइड में y का एक वेरिएबल है कि नहीं है, y की पावर वन है कि नहीं है, और राइट साइड में x की पावर टू है कि नहीं है? बिल्कुल है। और जब एक पावर y की सिंगल पावर है और डबल पावर है x की, तो पैराबोला बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। यस, क्योंकि एक डबल पावर हो और एक सिंगल पावर हो, सो द ट्रेजेक्टरी विल बी अ पैराबोला। यस और नो? यस सर। बोलो प्रियांशी, क्लियर? प्रियांशी सर प्लीज एक्सप्लेन इट अगेन। ओके बेटा, देखिए कहां से समझ में नहीं आया बेटा, t इक्वल टू x अपॉन u cos थीटा आपको समझ में आ गया ना? यस सर। ओके, इसके बाद y डायरेक्शन का आपने डिस्प्लेसमेंट निकाला है, y डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए इक्वेशन लगाइए s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो y डायरेक्शन के लिए लिखेंगे एस वाई इक्वल्स टू यू वाई मल्टीप्लाइड बाई टी प्लस वन अपॉन टू एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन इन टू टी का स्क्वायर। वाई डिस्प्लेसमेंट है वाई, यू वाई कितना है बच्चे, यू साइन थीटा, हाँ या ना? यस सर। और टी की वैल्यू आपने कितनी निकाली है, एक्स अपॉन यू कॉस थीटा। ये देखिए टी की वैल्यू आपने निकाली है एक्स अपॉन यू कॉस थीटा, यस ना? x अपॉन यू कॉस थीटा प्लस वन अपॉन टू एक्सेलरेशन कितना लगेगा, माइनस जी, एंड यहाँ पे आएगा x अपॉन यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर। क्लियर? यस सर। u से u कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर क्या बन जाएगा, x बाहर आ गया, साइन अपॉन कॉस कितना होता है टेन थीटा, माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये वाई और एक्स में रिलेशन है बेटा। मुझे बताओ वाई की पावर कितनी है, सिंगल या डबल? सिंगल। और एक्स की पावर कितनी है, सिंगल या डबल? एक्स की पावर देखो ना, मैक्सिमम कितनी है, टू है ना बेटा? प्रियांशी x की पावर 2 नहीं दिख रही क्या आपको? ये देखिए x की पावर 2 बैठी है यहाँ पे। ओके okay, यस yes. तो अक्षत x की पावर डबल है कि नहीं है? बिल्कुल है। ओके okay, तो एक पावर y की 1 है, एक पावर x की 2 है। इसका मतलब ये जो इक्वेशन होगा, ये किसका इक्वेशन होगा बोलिए? इक्वेशन ऑफ पैराबोला, पैराबोला, पैराबोला का मतलब ये जो शेप बनेगी ये पैराबोलिक बनेगी। डन? चलिए तो अपनी अपनी इसमें जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, जो मैंने अभी आपको बताया है, फिर बुकलेट पे आते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से आप लोग। ओके यस सर। चलिए तो ये स्क्रीनशॉट के बाद अपन अपने काम पे आ जाते हैं। ये देखिए हमारी बुकलेट पे, बुकलेट पे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी दिया हुआ है। अक्षत पढ़िए इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, वी नो दैट एक्स इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू टी एंड वाई इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ऑन एलिमिनेटिंग टी फ्रॉम दीज टू इक्वेशन वी गेट वाई इक्वल टू यू साइन थीटा एक्स एक्स अपॉन यू कॉस थीटा माइनस हाफ जी एक्स अपॉन यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और वाई इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। This is the equation of parabola, y equal to ax minus bx square. हाँ, तो ये देखा आपने बच्चों की, आपको यहाँ पर equation of parabola मिल गई है और ये आपकी equation of parabola कहलाती है, क्योंकि इसकी जो format बन रही है एक single power की बन रही है और एक double power की बन रही है। और ax minus bx square जो आपके सामने equation लिखी गई है, ये भी आपकी जो equation है ये parabola की equation है। बोलो समझ में आ गया, clear है? Yes, sir. चलिए अब बहुत अच्छा डेरिवेशन हम लोग करने वाले हैं, एनर्जी ऑफ द प्रोजेक्टाइल। तो दो डेरिवेशन यहाँ पे मिलेंगे, टोटल एनर्जी ऑफ द प्रोजेक्टाइल। तो देखिए बच्चों, अगर किसी आप प्रोजेक्टाइल को फायर करते हो तो इसके पास दो एनर्जी होती हैं। ग्राउंड की बात छोड़ दो, मतलब फायर करते समय और टकराते समय की बात छोड़ दो। फायर करते समय और टकराते समय की यदि बात छोड़ दी जाए, मतलब इस पॉइंट को छोड़ दिया जाए और इस पॉइंट को छोड़ दिया जाए, क्योंकि यहाँ पर भी हाइट जीरो होती है और यहाँ पर भी हाइट जीरो होती है, और ग्राउंड के रिस्पेक्ट में पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो होती है बच्चों मेरे एम जी एच।
बोलो होती है कि नहीं होती है। यस सर। तो जब एम जी एच ही जीरो होगा तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? जीरो। और यहाँ पर भी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? जीरो। बोलो यस और नो। यस सर। ओके। और अगर मैं बात करूँ काइनेटिक एनर्जी की, तो इस पॉइंट पर आप कितने से फेंक रहे हो? यू से। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होगा हाफ एम यू स्क्वायर। और अक्षत मैंने आपको बताया है कि जितने जोर से फेंकोगे उतनी ही वेलोसिटी से बॉडी टकराती है, मतलब यू से फेंकोगे तो यू से टकराएगी। तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? हाफ एम यू स्क्वायर। मतलब फेंकते समय और यहाँ टकराते समय, दोनों समय काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? सेम होगी। बोलिए यस और नो। यस सर। बट बाकी जगह, जैसे आप इस जगह की बात कर लें या इस जगह की बात कर लें, इस जगह की बात कर लें, कहीं की भी बात कर लें, तो बाकी जगह एक सर्टेन हाइट भी है, और अगर हाइट है तो मतलब वहाँ पर काइनेटिक एनर्जी भी होगी और साथ साथ में कौन सी एनर्जी होगी? पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। तो आपको टोटल एनर्जी निकालनी है काइनेटिक और पोटेंशियल का सम। बोलो आया समझ में? ले लो स्क्रीनशॉट। तो आपको पोटेंशियल और काइनेटिक का सम निकालना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी का सम यहां पर निकालने जा रहे हैं। आइए देखते हैं कैसे निकालना है। चलिए पढ़िए अक्षत। व्हेन अ प्रोजेक्टाइल मूव्स अपवर्ड, इट्स काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेस, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस, बट द टोटल एनर्जी ऑलवेज रिमेन्स कॉन्स्टेंट। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम यू कॉस होल स्क्वायर equals to half mu square cos square theta. Potential energy equal to mgh equal to mgu square sin square theta upon 2g equal to half mu square sin square theta. Yes. Total energy equal to kinetic energy plus potential energy. ठीक है, रुकिए। देखिए देखिए ये यहाँ पे ये चीज़ आ रही है कि दोनों, अगर जैसे जैसे आप उसको ऊपर की तरफ भेजेंगे तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज़ करेगी। आखिर क्यों डिक्रीज़ करेगी? जैसे जैसे ये ऊपर की तरफ जाएगा इसकी वेलोसिटी जो है वो कम होती जाएगी, इसकी स्पीड जो है कम होती जाएगी। मैक्सिमम पॉइंट पर पहुँच करके, इस पॉइंट पर पहुँच करके आपको पता होगा कि वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट कितना होता है अक्षत? जीरो। Zero. और वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट होता है यू कॉस थीटा। यस और नो? मतलब इस पॉइंट पर केवल यू कॉस थीटा रहेगा और वी वाई कितना हो जाएगा? जीरो। मतलब इस पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी केवल ये वाला कंपोनेंट प्रोवाइड करेगा। बाय द फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ एम वी का स्क्वायर, जो कि बन जाएगा 1/2 हाफ एम वी की जगह यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर और नॉट क्लियर? Okay. और अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं तो बाई द फॉर्मूला पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच, ये आएगा एम इंटू जी इंटू एच। कल मैंने एच का फॉर्मूला आपको लिखवाया है आपकी कॉपी में। जो मैक्सिमम हाइट निकलती है, जो मैक्सिमम हाइट निकलती है आपकी, मैक्सिमम हाइट कितनी निकलती है आपकी? मैक्सिमम हाइट इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ओके तो यहां पे यदि आप पुट कर देंगे यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, तो चलिए कैसे सॉल्व करेंगे यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g आप पुट कर दीजिए। तो यदि मैं यहां पुट करता हूं एम इंटू जी इंटू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, देखिए एम इंटू जी इंटू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, देखिएगा क्या होगा। जी से जी कैंसिल हो जाएगा, मतलब ये बन गया एम यू स्क्वायर बाई 2 साइन स्क्वायर थीटा। बोल हाँ या ना? हाँ सर। ओके तो एक बन चुका है एम यू स्क्वायर बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा और एक बन चुका है एम यू स्क्वायर बाई 2 साइन स्क्वायर थीटा। अगर मैं दोनों को ऐड कर दूंगा एम यू स्क्वायर बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा और एम यू स्क्वायर बाई 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएंगे। मतलब टोटल एनर्जी इक्वल टू हाफ एम यू स्क्वायर। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। मतलब काइनेटिक एनर्जी और टोटल पोटेंशियल एनर्जी का जो सम होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है, और ये वो एनर्जी होती है जिस समय आपने इसको प्रोजेक्ट किया था। बोलिए यस और नो? यस सर। यस। मतलब यहाँ पर क्या लग रहा है? यहाँ पर टोटल एनर्जी का कंजर्वेशन लग रहा है, यहाँ पर मैकेनिकल एनर्जी का कंजर्वेशन लग रहा है, कि हर पॉइंट पर एनर्जी
कांस्टेंट रहेगी, टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। क्लियर कि नॉट क्लियर? क्लियर सर। प्रियांशी क्लियर? प्रियांशी इज नॉट इन द क्लास, प्रियांशी क्लास में आप रिप्लाई कीजिए। ओके, सो काइनेटिक एनर्जी निकाल ली, पोटेंशियल एनर्जी निकाली और टोटल एनर्जी हमने निकाली। पढ़िए बेटा, दिस इज इन अकॉर्डेंस, दिस इज इन अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। नोट, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एट एनी हाइट एच, वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत अच्छा पॉइंट है, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। अब हमने देख लिया है कि टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहती है तो हम किसी भी पॉइंट पर वेलोसिटी निकाल सकते हैं। आपने देखा टोटल एनर्जी कितनी होती, हाफ एम यू स्क्वायर, बोलिए यस और नो? Yes, sir. और हाफ एम यू स्क्वायर टोटल एनर्जी होती है क्योंकि आपने यू वेलोसिटी से इसको फेंकते हैं। मान लीजिए इस पॉइंट पर आप वेलोसिटी वी मान रहे हैं और इसकी हाइट है h, तो क्या होगा, हाफ एम यू स्क्वायर इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर प्लस एम जी एच होगा कि नहीं होगा? यस सर, क्योंकि टोटल इक्वल टू काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, तो यहां से वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, यहां से वी की वैल्यू आएगी अंडर रूट यू स्क्वायर माइनस टू जी एच। एग्री? तो यहां से वी की यहां से जो वी की वैल्यू आएगी वो आएगी यू स्क्वायर माइनस टू जी एच। चलिए अब इसके बाद बात करते हैं कि यदि हम एक प्रोजेक्टाइल को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे फेंकते हैं तो उनकी रेंज क्या निकलेगी। यहां पर थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री हमको लगानी पड़ेगी। देखिए मैं क्या बात करने जा रहा हूं आपके सामने, अब मैं आपके सामने ये पूछने जा रहा हूं कि जैसे आपके पास कोई प्रोजेक्टाइल है और आप उसको दो एंगल्स पर फेंकते हैं जो दोनों एंगल्स एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री पेयर हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने किसी प्रोजेक्टाइल को फायर किया, एक प्रोजेक्टाइल आपने 30 डिग्री एंगल पे फेंका यू वेलोसिटी से, और एक प्रोजेक्टाइल आपने 60 डिग्री एंगल से फेंका यू वेलोसिटी से। ये एंगल टोटल ग्राउंड से कितने डिग्री है, 60 डिग्री। बच्चों आपको जानकर के ताजुब होगा कि दोनों एंगल्स पर जो हॉरिजॉन्टल रेंज ट्रेवल होगी वो बिल्कुल इक्वल आएगी। यस, मतलब ये भी इतना दूर जाएगा तो ये भी इतना ही दूर जाएगा। आई बात समझ में कि नहीं आई? यस बिल्कुल, ठीक है ना। दोनों इतने दूर जाएंगे, बस ऊपर वाले की थोड़ी सी हाइट जाएगी, मगर दोनों सेम एंगल पे आएंगे। आइए देख लेते हैं कैसे आएंगे। अगर पहले वाले प्रोजेक्टाइल को आप मान लो थीटा एंगल पे फायर कर रहे हो जो कि थीटा है, तो आर थीटा मैंने आपको पढ़ा रखा है क्या, यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी, बोलिए पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? यस सर। और दूसरे एंगल को आप 60 डिग्री पे फायर कर रहे हो, मतलब 60 कितना होगा, यू कैन से इट 90 माइनस 30, तो हमारा नीचे वाला एंगल थीटा था तो ऊपर वाला क्या बनेगा, 90 माइनस थीटा, बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा सर। सो अगर मैं आर 90 माइनस थीटा पर रेंज निकालूं तो क्या निकलेगा, यू स्क्वायर, क्योंकि इसकी भी वेलोसिटी यू थी, इसकी भी वेलोसिटी यू थी, और साइन यहाँ पे टू और थीटा की जगह क्या रख दूं बच्चों, 90 माइनस थीटा अपॉन जी। कहिए यस और नो? यस सर। दिस इज इक्वल नंबर वन। अब इसको सॉल्व करिए, यू स्क्वायर टू का मल्टीप्लाई कर दीजिए, साइन टू इंटू 90 कितना हो गया, 180 माइनस थीटा अपॉन जी। यस, कौन सा क्वाड्रेंट है बच्चों, सेकेंड क्वाड्रेंट, मतलब साइन का घर होता है, और 180 में नो चेंज, मतलब यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी। इसका मतलब प्रोजेक्टाइल को चाहे आप 90 पे फेंको या 90 माइनस थीटा पे फेंको, ध्यान से देखिए दोनों के रेंज इक्वल आ रहे कि नहीं आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। सो यू कैन से आर 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू आर थीटा, से यस और नो? यस सर। यस, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आर 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू आर थीटा। यस सर। यस, तो दोनों रेंज इक्वल होंगे, आप अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे फेंक रहे हैं तो दोनों रेंज इक्वल होंगे। यस और नो बन जाएगा ना, अच्छे समझ में आ गया? ओके, चलिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से मैं एक बात आपसे और कहना चाहूंगा कि ध्यान से देखिए, तो 45 माइनस थीटा और 45 प्लस थीटा, क्या ये दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री है कि नहीं है? है, क्योंकि इन दोनों का सम कितने डिग्री आ रहा है, 90 डिग्री। देख लीजिए 45 माइनस थीटा में 45 प्लस थीटा आप ऐड करें तो माइनस थीटा से प्लस थीटा कैंसिल हो जाएगा, आंसर आएगा 90 डिग्री। क्लियर? तो एक कंसेप्ट आप बना सकते हैं कि आर 45 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू आर 45 प्लस थीटा, मतलब
45 से कम एंगल पर रेंज जो होगी वो 45 से ज्यादा एंगल पर रेंज के क्या होगी, इक्वल होगी, बन जाएगा। यस सर। यस यस सर। ओके यस सर। यस, तो देखिए ये हो गया कंसेप्ट। पढ़िए अक्षत, व्हेन व्हेन द टू प्रोजेक्टाइल्स आर थ्रोन विद इक्वल स्पीड एट एन एंगल थीटा एंड 90 माइनस थीटा देन देयर रेंजेस आर इक्वल बट मैक्सिमम हाइट अटेंड आर डिफरेंट एंड टाइम ऑफ फ्लाइट्स आर आल्सो डिफरेंट। ओके, बिल्कुल सही बात है। मैक्सिमम हाइट अलग-अलग होगी और टाइम अलग अलग होगा। क्यों, टाइम क्यों अलग अलग होगा? आपको याद होगा टाइम जो फॉर्मूला था वो था 2u साइन थीटा बाई जी। तो जब भैया थीटा ही बदलेगा तो थीटा के बदलने पर टाइम भी क्या होगा, बदलेगा। क्लियर हुआ ना? बदलेगा। मगर टाइम ऑफ फ्लाइट, सॉरी टाइम ऑफ फ्लाइट बदलेगा मगर हॉरिजॉन्टल रेंज बदलेगी नहीं। क्लियर है बच्चों? नहीं। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों। हेडिंग डालिए मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज। मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज, हेडिंग डालिए मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज। मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज हम कैसे निकालें? यस, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज की हम बात करते हैं। आपको याद होगा कि हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में, यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी। ओके, यू एक बार फेंक दिया तो कांस्टेंट है। हम एंगल पर वेरी करने की बात कर रहे हैं कि कितने एंगल पे फेंके, तो यू बदल नहीं सकते क्योंकि यू हमने फिक्स कर रखा है। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जब तक धरती में रहेंगे तब तक फिक्स। हाँ, हम अपने हाथ से एंगल बदल सकते हैं कि हम कितने एंगल पे अपने प्रोजेक्ट को फायर करें। तो अगर आप चाहते हैं कि हॉरिजॉन्टल रेंज मैक्सिमम हो तो एक चीज आपके हाथ में है कि साइन टू थीटा मैक्सिमम होना चाहिए। और आप सबको पता है कि साइन का कोई भी थीटा हो उसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है प्लस वन। बोलिए यस और नो। यस सर। क्योंकि साइन की वैल्यू मैक्सिमम जाती है प्लस वन बच्चों और निगेटिव जाती है माइनस वन। पता है ना प्रकृति प्रियांशी आपको? यस सर। ओके, सो प्लस वन साइन की वैल्यू कहाँ पर होती है बच्चों? 90 डिग्री पर। सो साइन टू थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। सो यू कैन राइट टू थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। सो थीटा इज इक्वल्स टू 90 अपॉन टू। आंसर कितने डिग्री हो गया बच्चों? 45। ओके, मतलब आप अगर अपने जेवलिन को 45 डिग्री पर थ्रो करेंगे तो ये सबसे ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। ओके, तो अगर आप चाहते हैं कि आर मैक्सिमम हो तो आपका थीटा कितना होना चाहिए? 45 डिग्री होना चाहिए। तो मैक्सिमम रेंज कितनी निकल करके आएगी बच्चों? यू स्क्वायर की जगह यू स्क्वायर, ये हो जाएगा साइन 2 इंटू 45 अपॉन जी। ओके, साइन 2 इंटू 45 कितना हो गया? साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू कितनी हो गई? 1। तो आंसर कितना बनेगा? यू स्क्वायर अपॉन जी। दिस इज कॉल्ड आर मैक्स। की नॉट क्लियर? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दिस इज आर मैक्स, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन जी। मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज इक्वल्स टू यू स्क्वायर अपॉन जी। डन? डन सर। चलिए, तो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज यहां पे निकाल चुके हैं। दिस इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन जी फॉर मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज। यस बेटा, फोर्थ पॉइंट पढ़ू। At maximum height, angle between velocity and acceleration is 90 degree. Obviously, बेटा, एक मिनट। Maximum point पर velocity कैसी काम करती है? Horizontal, क्योंकि vertical का तो डब्बा गोल हो चुका होता है। और gravitational acceleration कहाँ काम करता है? नीचे। तो maximum point पर velocity और acceleration के बीच का angle पूछा जाए तो कितना आंसर लिख कर क्या होगे? 90 degree. ठीक है ना? Yes, ये question छाप करके आते हैं। चलिए अगला question पढ़ो बेटा। When particle returns to ground at point A, then its y coordinate is 0 and its magnitude of velocity is u at angle theta with ground. Hence, total angular change is equal to 2 theta. Yes. तो यदि कोई particle आता है ground पे, when a particle returns ground at point A, then y कोऑर्डिनेट इज जीरो, क्योंकि ट्रेवल करके आएगा तो y कोऑर्डिनेट, पहले y बढ़ेगा 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 बढ़ेगा, फिर डिस्प्लेसमेंट इसकी डायरेक्शन में इस तरीके से आएगी तो y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। यस और नो? क्योंकि कोई x एक्सिस पर गिरेगा तो केवल रेंज ही तो ट्रेवल करेगा, तो इस वाले कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे? r, 0 बनेंगे कि नहीं बनेंगे बताओ?
करेंगे सर। बिकॉज ये बन जाएगा हॉरिजॉन्टल रेंज आर, और तो ये कोऑर्डिनेट बनेगा जीरो, और एंगल थीटा पे फायर किया और नीचे थीटा, तो टोटल एंगुलर चेंज कितना आएगा? देखो इधर पे थीटा आ गया है और इधर पे थीटा आ गया है, तो टोटल एंगुलर चेंज इधर भी थीटा इधर भी थीटा, तो टोटल एंगुलर चेंज कितने का? टू थीटा का इन्वॉल्व हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। यस, सो टोटल एंगुलर चेंज इक्वल टू टू थीटा। चलिए अब देखो पढ़ो अक्षत, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर u i इक्वल टू u cos थीटा i कैप प्लस u sin थीटा j कैप। फाइनल वेलोसिटी वेक्टर u f इक्वल टू u cos थीटा i कैप माइनस u sin थीटा j कैप। हाँ देखिए फाइनल वेलोसिटी, एक मिनट मेरे भाई, फाइनल वेलोसिटी का u cos थीटा i कैप, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी का x कंपोनेंट तो वही का वही रहेगा, मगर जो y कंपोनेंट है वो नीचे की तरफ ब्रेक होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा? होगा सर। यस, क्योंकि इसके दो कंपोनेंट अगर आप तोड़ोगे तो एक कंपोनेंट ये वाला जाएगा और एक कंपोनेंट ये वाला जाएगा, तो ये क्या कहलाएगा? ये बन जाएगा u cos थीटा i कैप और ये बन जाएगा माइनस का u sin थीटा j कैप। बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। यस सर। सो चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर दो तो चेंज इन वेलोसिटी में देखिए ध्यान से कितना आएगा, 2u sin थीटा j, 2u sin थीटा j कैप। अगर डायरेक्शन की बात की जाए तो 2u sin थीटा j कैप, और अगर मैग्नीट्यूड की बात करोगे तो 2u sin थीटा। डन? डन सर। हाँ, नोट कर लीजिए कॉपी में बच्चों, चेंज इन वेलोसिटी आपसे पूछा जा सकता है कि प्रोजेक्टाइल में चेंज इन वेलोसिटी कितनी होती है, तो प्रोजेक्टाइल में जो चेंज इन वेलोसिटी होती है वो होती है 2u sin थीटा। डन? क्लियर है सभी बच्चे? जो डाउट हो पूछते जाइए। ओके अब चेंज इन मोमेंटम की बात करें बच्चों, मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम। अब भैया मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम इज इक्वल टू होता है मास इनटू वेलोसिटी। लिख लें मोमेंटम इक्वल टू होता है मास इनटू वेलोसिटी। अब अगर मैं बात करूं चेंज इन मोमेंटम मतलब डेल्टा पी, तो मास तो बदल नहीं रहा है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आपने गोला फेंका, फेंकते फेंकते वो घिस गया, गोला तो गोले के रूप में ही पहुंचेगा। yes, मतलब मास कांस्टेंट रहेगा, तो चेंज किस में होगा? केवल वेलोसिटी में। सो फॉर्मूला लिख लें चेंज इन मोमेंटम इक्वल टू एम इंटू डेल्टा वी, और डेल्टा वी की वैल्यू अभी आपने निकाली है कितनी? 2 sin थीटा, 2u sin थीटा। तो वैल्यू पुट कर दीजिए एम मल्टीप्लाइड बाई 2u sin थीटा, तो बच्चों आंसर कितना आ जाएगा? 2mu sin थीटा। हो गया कि नहीं हुआ? बोलो हो गया। नोट कर लीजिए चेंज इन मोमेंटम इक्वल टू 2mu sin थीटा, चेंज इन मोमेंटम इक्वल टू 2mu sin थीटा। डन? यस सर। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, चेंज इन मोमेंटम इक्वल्स टू 2mu sin थीटा। ओके, फिफ्थ पॉइंट भी कवर हो गया। चलिए हाँ बच्चों, यहाँ पर हमारा ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल पूरा हो चुका है, बिल्कुल धमाकेदार तरीके से ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल की फुल बैंड हम बजा चुके हैं। ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल जितना होता है वो हमने बहुत अच्छे से, बहुत ब्यूटीफुली, नीट एंड क्लीन तरीके से कंप्लीट कर लिया है। अब बच्चों हमारा शुरू हो रहा है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। ओके, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल शुरू होने वाला है। यस सर। चलिए तो हेडिंग डालिए बच्चों हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन, देखेंगे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन किस तरीके का हुआ करता है। तो मैंने एग्जांपल आपको बताया था कि आप अपनी किसी टेबल पे ऊपर रख लीजिए, ओके, कोई इरेजर को ऊपर रख लीजिए, और उस इरेजर को रख करके यहाँ से एक सटाक वाली वेलोसिटी दीजिए खट से, तो ये वेलोसिटी ले करके ये यहाँ से गिरेगा। यस, जो डिस्टेंस ये ट्रेवल करता है इसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज। अब ये जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ये कहलाएगा हॉरिजॉन्टल रेंज। और याद रखिएगा पिछले बार आप इनिशियल इसकी डिस्प्लेसमेंट जीरो लेते थे, ग्राउंड पे रखते थे, बट इस बार ऑलरेडी इसमें कुछ ना कुछ हाइट होगी जिसको बोलेंगे h। बोलिए क्लियर? यस सर। यस, इसमें कुछ ना कुछ हाइट होगी इसकी h। सर एक क्वेश्चन था, बोलो। इसमें जैसे ऑलरेडी ये मैक्सिमम हाइट पे है, हाँ, तो टाइम पीरियड भी जो नॉर्मल प्रोजेक्टाइल का तो उसका आधा आएगा ना, माने u sin थीटा अपॉन g आना चाहिए। वो हम देख लेते हैं, वो हाइट पे डिपेंड करेगा बेटा। जैसे सर रखा तो मैक्सिमम हाइट पे रहेगा, कि जो भी रखा है कंसीडर तो मैक्सिमम हाइट करेंगे वो। वहां से अगर देखे तो आधा प्रोजेक्टाइल होता है, आधा, सॉरी, आधा हॉरिजॉन्टल। अभी एक मिनट सुनो, अब आप कह रहे हो u sin थीटा / g, भैया g जो है वो किसके किस पे काम करेगा? वर्टिकल हाइट पे काम करेगा ना। हाँ। और u आप यहाँ का दे रहे हो,
यू किसका दे रहे हो का, हाँ या ना? यस सर, मतलब एक कंपोनेंट यहां का ले रहे हो और एक कंपोनेंट वर्टिकल का ले रहे हो, गलत बात, समझ में आया? तो सर नीचे आएगा तो कम तो हाँ उसका वर्टिकल कंपोनेंट ही होता जाए, उसे बढ़ता तो वर्टिकल कंपोनेंट ही जाएगा ना, तो ये वर्टिकल हॉरिजॉन्टल बढ़े कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं पड़ेगा, तो फिर आप यू का नाम क्यों ले रहे हो? फिर आप यू का नाम मत लीजिए, समझ में आया? मैं सर यू नहीं बोला, मैं यू साइन थीटा बोल रहा हूँ। चलो देखते हैं भैया, यू साइन थीटा का तो यहाँ कोई रोल ही नहीं है, दूर दूर तक कहीं से कहीं तक यू साइन थीटा का रोल नहीं है। अब मुझे पूरा इसका वर्टिकल पहले कंपोनेंट क्या एक होगा? मिनट, मुझे इसका टाइम पीरियड निकाल लें दो, फिर तुमको मैं समझा देता हूँ। बोलो यस क्लियर। यस सर। चलिए देखिए, अब इस पॉइंट पर ये हाइट एच पर है, हाँ या ना? हाँ ये हाइट एच पर है, तो एच हाइट इसको अगर ये जाना चाहता है तो ये पॉइंट यहाँ से जब फायर करोगे तो धीरे 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 करके इस पॉइंट पर जा करके इसकी हाइट कितनी हो जाएगी? जीरो। क्लियर? क्लियर। ठीक है, एच हाइट इसकी जीरो हो गई। अब यदि मैं इसको दो मोशन में कंप्लीट मानूं तो यू एक्स इक्वल टू कितना है? बोलो, जीरो, सॉरी, यू एक्स इक्वल टू कितना है बच्चों? यू है, हाँ या ना? हाँ सर। और यू वाई इक्वल टू कितना है? जीरो, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी का कोई कंपोनेंट काम नहीं कर रहा है। जीरो है कि नहीं है? है तो यू एक्स इक्वल्स टू जीरो है और यू वाई यानी वर्टिकल वेलोसिटी कितनी है? जीरो है। यू एक्स इक्वल टू यू है और यू वाई इक्वल टू जीरो है। क्लियर कि नॉट क्लियर? क्लियर सर। अच्छा, वी एक्स कितना रहेगा? यू रहेगा कि नहीं रहेगा? इस पॉइंट पर ये पहुंच जाएगा तब भी इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो यही रहेगा, बिल्कुल रहेगा क्योंकि इस तरफ कोई एक्सेलरेशन काम नहीं कर रहा है ना? VY0। नहीं, वी वाई जीरो नहीं रहेगा बिल्कुल, क्योंकि ग्रेविटी तो लगना शुरू हो चुकी है जैसे छूटते ही। तो वी वाई इज इक्वल टू होगा यू वाई प्लस ए इन टी, हाँ या ना? तो फाइनल जीरो नहीं होगा फाइनल? अरे भैया मेरे, फाइनल जीरो कैसे हो जाएगा? वी वाई मैं इस पॉइंट पर वी वाई बोल रहा हूँ, यहाँ पर और यहाँ पर भी वी वाई उस पॉइंट जीरो। पे तो होगा, हाँ, और फाइनल भी वी वाई जीरो नहीं हो सकता कभी, टप्पा खा के जाएगी। ऑब्वियसली टप्पा खा के टकराएगी ना सिर पे, हाँ या ना? यस सर। हाँ, तो चोट लगेगी, इसका मतलब वी वाई जीरो नहीं है। चलिए, तो यहाँ पर निकालते हैं हम वी वाई, तो डाउनवर्ड वेलोसिटी है और डाउनवर्ड एक्सेलरेशन है, तो दोनों को प्लस प्लस मानने में कोई बुराई नहीं है। वी वाई इज इक्वल्स टू यू वाई की वैल्यू कितनी? जीरो प्लस जी इंटू टी। ओके, यस सर। हाँ, तो वर्टिकल वेलोसिटी कितनी हो गई? वी वाई इक्वल टू जी टी। ओके, GD। चलिए, यस सर। ओके। अब आप टाइम ऑफ फ्लाइट की बात कर रहे हैं, तो टाइम ऑफ फ्लाइट में मैं लगाता हूँ वाई डायरेक्शन में इक्वेशन ऑफ मोशन। वाई डायरेक्शन में इक्वेशन ऑफ मोशन की यदि बात की जाए तो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बोलो, हाँ, हाँ सर। पूरा मोशन डाउनवर्ड हो रहा है, तो मैंने डाउनवर्ड एस को मैंने मान लिया एच, मान लिया यस सर। एच। डाउनवर्ड साइड में यू कितना है? जीरो है, है जीरो है। टाइम कुछ भी लगे उससे मतलब नहीं, जीरो इंटू टी जीरो हो गया। प्लस वन अपॉन टू ए कितना हो जाएगा? ए की जगह लग रहा है जी। ओके, यस सर। और टी का स्क्वायर। क्लियर हो गया? बिल्कुल। तो हाफ जी टी स्क्वायर इक्वल्स टू मैं लिख सकता हूँ एच, सो जी टी स्क्वायर इक्वल टू हो गया 2h। तो बेटा लियो, टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया आपका, टी स्क्वायर इक्वल टू 2h अपॉन जी। तो टाइम ऑफ फ्लाइट नोट करिए सब बच्चे, अंडर रूट 2h अपॉन जी, दिस इज योर टाइम ऑफ फ्लाइट। पुराना वाला आ गया तो हाँ, पुराना वाला आ गया, वन डायमेंशन मोशन वाला, बिल्कुल सही, यस सर। ठीक है ना? यस, मतलब टाइम वही लगेगा जो बॉडी को फेंकने में लगेगा। तो एक बहुत अच्छी बात बताई आपने कि चाहे बॉडी को आप ऐसे फेंको चाहे बॉडी को आप डायरेक्ट छोड़ दो, दोनों में लगने वाला समय क्या है? सेम है। तो चौक को सेम चाहे सीधे गिराओ चाहे चौक को टेढ़े गिराओ, दोनों में लगने वाला टाइम क्या होगा? सेम होगा। इसमें लगेगा यस टी सर। इक्वल टू अंडर रूट 2h/g और इसमें भी लगेगा टी इज इक्वल टू अंडर रूट 2h/g। क्लियर कि नॉट क्लियर? बिल्कुल सर। एक टाइप से फ्री फॉल ही तो है अगर देखा बिल्कुल जाए फ्री तो। फॉल है, वाई डायरेक्शन में इंडिपेंडेंट मोशन हो रही ना एक्स और वाई यस में। सर बिल्कुल। हाँ नोट कर लीजिए सभी लोग, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत अच्छी बातें हुई यहाँ पे।
डन 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 सर। चलिए अब इसी पर बात कर ली जाए भाई साहब हॉरिजॉन्टल रेंज की, तो बहुत ही सिंपल हो जाएगा। देखिए हॉरिजॉन्टल रेंज निकालना है मतलब एक्स डायरेक्शन में, तो हॉरिजॉन्टल रेंज यदि एक्स डायरेक्शन में निकालना है तो एस एक्स इक्वल टू यू एक्स इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट टी प्लस वन अपॉन टू एक्सेलरेशन एक्स इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट का स्क्वायर। बोलो यही कंसेप्ट लगेगा कि नहीं लगेगा? टाइम ऑफ फ्लाइट में ही तो ट्रेवल होगा टोटल डिस्टेंस। ओके एस एक्स को हम क्या बोलते हैं? आर। हॉरिजॉन्टल रेंज को बोला जाता है आर क्योंकि ये डिस्टेंस आर मानी जाती है। तो आर इक्वल टू यू एक्स, यू एक्स कितना लग रहा है? यू ही तो लग रहा है सर। और आर की इंटू टी की वैल्यू क्या आई है? टू अंडर रूट एच अपॉन जी, हाँ या ना? यस सर। और आगे एक्सेलरेशन जीरो है तो सब कुछ स्वाहा, तो आंसर आर इक्वल टू यू अंडर रूट टू एच बाई जी। नोट कर लो बच्चों, ये है हॉरिजॉन्टल रेंज। डन, कोई दिक्कत? क्लियर हो गया? यस सर। ओके सो टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया, हॉरिजॉन्टल रेंज आ गया। अब इसके बाद देखिए आपने हमने से क्या क्या निकलवा लिया है। आपने हमसे टाइम ऑफ फ्लाइट निकलवा लिया, आपने हमसे हॉरिजॉन्टल रेंज निकलवा ली है। ओके टाइम ऑफ फ्लाइट भी निकाल चुके हैं टू अंडर रूट जी एच बाई जी, हॉरिजॉन्टल रेंज भी निकाल ली है यू अंडर रूट 2h बाई जी। अब हमें निकालनी है कुछ बाकी की चीज़ें, ठीक ना, वो निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें निकालना चाहते हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन में इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री निकाल लेंगे, वो भी बहुत आसान है। चलिए पढ़िए बेटा, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन कंसीडर कंसीडर अ प्रोजेक्टाइल थ्रोन फ्रॉम फ्रॉम अ पॉइंट फ्रॉम पॉइंट एट सम हाइट h पॉइंट ओ फ्रॉम पॉइंट ओ at some height h from the ground with velocity u. In horizontal direction, initial velocity ux equal to u, acceleration ax equal to 0. In vertical direction, initial velocity uy equal to 0 and acceleration ay equal to g. चलिए अब trajectory equation निकालने के लिए, trajectory मान लीजिए किसी point पर किसी समय t पर ये point यहाँ पर है। ओके तो x डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट और y डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हैं। तो देखिए x डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा बेटा? x डायरेक्शन का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो होगा u इंटू टी, बिकॉज कॉन्स्टेंट मोशन है तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। बोलिए होगा कि नहीं होगा? होगा सर। और y डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट क्योंकि डाउनवर्ड हो रहा है तो y इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन टू जी टी स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल सर। ओके सो वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू माइनस वन अपॉन टू जी टी स्क्वायर हो गया। हियर नेगेटिव साइन शोज द वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, बिल्कुल सही बात है। तो देखिए यहाँ से टी की वैल्यू, तो दो इक्वेशन आपने निकाल लिए हैं, एक्स इक्वल टू यू टी, एक्स इक्वल टू यू टी एंड वाई डायरेक्शन इक्वल टू माइनस वन अपॉन टू जी टी स्क्वायर। बोलो निकाले नहीं निकाले? निकाले सर। फर्स्ट इक्वेशन से बच्चों एक्स इक्वल टू यू टी है तो इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन यू होगा कि नहीं होगा? होगा सर। फर्स्ट इक्वेशन से एक्स इक्वल टू यू टी है तो टी इज इक्वल टू एक्स अपॉन यू, टी की वैल्यू उठा करके यहाँ पे पुट कर दीजिए तो माइनस वन अपॉन टू जी और टी की वैल्यू एक्स अपॉन यू का होल स्क्वायर, तो माइनस वन अपॉन टू जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर, हाँ या ना? सर। y की पावर कितनी महाराज? 1 है। x की पावर कितनी? 2। एक पावर 1 है एक पावर 2 है, मतलब कौन सी इक्वेशन बनेगी? पैराबोला। पैराबोला आ गया समझ में? जी सर। प्रकृति प्रियांशी देखिए जहां पर डाउट है जहां पर मुझे रोकना आप लोग बोलिए, अदरवाइज मैं ये समझूंगा क्योंकि ये मैं एक बार पढ़ा चुका हूं तो मुझे लग रहा है आप क्लियर है ना सब कुछ आप लोग को? यस सर। ओके कहीं पर प्रॉब्लम हो रही प्लीज रोक करके बोलिएगा, दोबारा एक्सप्लेन करूंगा उसको। सो यहां पर देखिए इस तरीके से जो इक्वेशन आ रहा है आपको माइनस वन अपॉन टू जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर, ये भी पैराबोला की ट्रेजेक्ट्री बन रही है। चलिए नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये ट्रेजेक्ट्री बन गई है।
बिल्कुल सेम टू सेम है जैसे मैंने पिछला वाला लेक्चर कराया था, बिल्कुल उसका टू कॉपी है, कुछ भी नया नहीं है, इसलिए थोड़ा स्पीड में है। डन, ले लिया स्क्रीनशॉट? जी सर। चलिए पढ़िए अक्षत। प्रोजेक्टरी इक्वेशन, द पाथ, The path traced by projectile is called the trajectory. After time t, x equal to ut and y equal to minus half gt square. Here negative sign indicates that the direction of vertical displacement is in downward direction, so that y equal to minus half g x square upon u square, since t equal to x upon u. This is the equation of parabola. चलिए अब ये इक्वेशन ऑफ पैराबोला हो गए हैं, अब इंस्टेंटेनियस स्पीड देखते हैं अलग अलग पॉइंट पे, फिर उसके बाद हम फाइनल वेलोसिटी निकालेंगे। चलो पढ़ो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। Instantaneous velocity at point P x comma y. Horizontal velocity at time t v x equal to u remains constant. Vertical velocity at time t v y equal to g d downwards. Therefore, v equal to under root v square upon v x square plus v y square is equal to v equal to under root of u square plus g square t square and tan theta equal to v y upon v x or tan theta equal to minus g t upon u. Yes. The negative sign indicates the clockwise direction. Exactly. जो थीटा यहाँ पे जाएगा वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगा, पिछले बार एंटी क्लॉकवाइज ज़्यादा था तो पॉजिटिव होता था और इस बार क्लॉकवाइज जाएगा, इसलिए यहाँ पे जो थीटा होगा वो नेगेटिव होगा। यदि हम वी एक्स और वी वाई की बात करें तो वी एक्स और वी वाई, वी एक्स इक्वल टू यू एंड वी वाई इक्वल्स टू जी टी, वी एक्स इक्वल्स टू यू एंड वी वाई इक्वल्स टू जी टी, ये मैं दोनों को बता चुका हूँ आपको, क्योंकि वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट रिमेन सेम रहता है एंड वी वाई इज इक्वल टू, मैंने अभी अभी निकलवाया था, जीरो वी इक्वल टू यू प्लस ए टी के फॉर्मूले से जो कंपोनेंट निकलता है वेलोसिटी का, देख लीजिए ध्यान से, जी टी निकलता है और एक्चुअली डाउन डायरेक्शन में होगा तो इसको माइनस जी टी बोलेंगे आप, ठीक है ना? तो यहाँ पर माइनस जी टी का स्क्वायर कर भी दोगे तो जी स्क्वायर टी स्क्वायर ही आएगा, और अगर टेन थीटा की बात करेंगे तो माइनस जी टी बाई यू, क्यों? डायग्राम से देख लीजिए, टेन थीटा की यदि बात कर रहे हैं तो ये जो एंगल काउंट हो रहा है ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में काउंट हो रहा है, इसलिए ये जो एंगल निकलेगा आपका माइनस जी टी बाई यू निकलेगा। बोलो क्लियर कि नॉट क्लियर? क्लियर सर। क्योंकि टेन थीटा यदि आप सॉल्व करेंगे तो टेन थीटा इज इक्वल टू वी वाई, परपेंडिकुलर बनेगा वी वाई अपॉन बेस बनेगा वी एक्स, और वी वाई कितना है माइनस जी टी और वी एक्स कितना है यू, सो टेन थीटा इज इक्वल टू माइनस जी टी बाई यू। बोलिए आ गया समझ में सभी बच्चों को? यस सर। यस, तो ये हो गया इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब निकालते हैं हम डिस्प्लेसमेंट। पढ़ो बेटा डिस्प्लेसमेंट क्या है। Displacement vector s equal to x I cap plus y j cap, where the magnitude of displacement is equal to under root of x square plus y square, or vector s equal to ut I cap minus half g t square j cap. Yes, देखिए तो आपने x displacement क्या निकाला है, ut निकाला है, और आपने y displacement कितना निकाला है, half g t square निकाला है। बोलिए निकाला कि नहीं निकाला आपने y displacement? निकाला सर। Yes, y displacement आपका जो निकला था वो आप इसको ये निकला था आपका, देखिए minus half g t square। तो x डिस्प्लेसमेंट आपका यू टी है और y डिस्प्लेसमेंट आपका माइनस हाफ जी टी स्क्वायर है, तो नेट जो नेट डिस्प्लेसमेंट निकलेगा वो निकलेगा यू टी माइनस हाफ यू टी आई कैप, क्योंकि x डिस्प्लेसमेंट जो है x एक्सिस की तरफ बन रहा है और y जो है y एक्सिस की तरफ बन रहा है, इसलिए इस तरीके से इसका वेक्टर डिज़ाइन होगा। टाइम ऑफ फ्लाइट पढ़ दो बेटा, टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम टेकन। Time taken by the particle to reach the ground from equation of motion for vertical direction h equal to u by t plus half g t square at height at highest point u y equal to 0 h equal to half g t square or t equal to under root of 2 h upon g. Exactly. देखिए यहाँ पर यदि हाईएस्ट पॉइंट की बात की जाए, हाईएस्ट पॉइंट पर जो है यू वाई इक्वल टू जीरो हो जाएगा, और वही जो मैंने सॉल्व कराया उससे आप टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लेंगे एंड कैपिटल टी इक्वल टू टू एच बाई जी, नॉट प्रॉब्लम एट ऑल। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी मैं निकलवा चुका हूँ, डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन बिटवीन द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एंड द पॉइंट ऑफ द ग्राउंड इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। अब जो अक्षत आप बात कर रहे थे कि जिस समय टकराएगा पार्टिकल उस समय वेलोसिटी कितनी होगी, चलो हाँ, पढ़ दो बेटा वेलोसिटी। Velocity after falling height h along vertical direction vy square equal to 0 plus 2gh or vy equal to under root 2gh along horizontal direction vx equal to u, hence final velocity v equal to under root of vx square plus vy square that is equal to v equal to under root of u square plus 2gh. हाँ बिल्कुल, and tan beta equal to vy upon vx is equal to tan beta equal to under root of 2gh upon u. Yes, तो ये आएगी इसकी वर्टिकल वेलोसिटी के टकराते समय का एंगल और वर्टिकल वेलोसिटी जो एग्जैक्टली यहाँ पर होगी, तो दो कंपोनेंट वर्टिकल सॉरी
फाइनल वेलोसिटी बोलना था, वर्टिकल वेलोसिटी बोल गया। दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा वी एक्स और एक होगा वी वाई। तो यदि आपको निकालना है एंगल टकराने का तो आपको टेन वी वाई अपॉन वी एक्स करके निकालना है। और रिजल्टेंट वेलोसिटी के लिए वी एक्स तो हमेशा यू रहेगा और वी वाई मैंने आपको बता दिया है वो कितनी रहेगी, जी टी। तो दोनों का मॉड आपने निकाल दिया है तो यू स्क्वायर प्लस जी टी स्क्वायर एंड टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब कि माइनस जी टी अपॉन यू। ओके, वी वाई अपॉन वी एक्स। तो वी वाई फाइनल वेलोसिटी निकल रही है कितनी, वी वाई अपने पास निकल रही है देख लीजिए अंडर रूट टू जी एच हाइट के टर्म्स में, और ये इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, यू है, जो कि कांस्टेंट रहेगी एक्स डायरेक्शन में। बोलो आ गया कि नहीं आया? आ गया सर। चलिए तो यहाँ पर ये टॉपिक जो है आपका फिनिश होता है, ठीक ना, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल एंड ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल आपका फिनिश हो गया है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको सर्कुलर मोशन पढ़ाऊंगा, क्लियर है बच्चों? यस सर। चलिए तो यहाँ तक आपको करना क्या है, एक बार आपको कल मेरे को नोट्स बना करके पूरे यहाँ के भेजने हैं। अक्षत, नोट्स की शुरुआत आपसे होगी, आपको मेरे को पूरे डेरिवेशन जितने भी हैं इसके सारे हॉरिजॉन्टल के और ऑब्लिक के सिस्टमेटिकली पूरे डेरिवेशंस करके देने हैं, और बाकी बच्चे भी मेरे को डेरिवेशन करके देंगे दोनों प्रोजेक्टाइल के, ठीक है बच्चों? सर लास्ट वाले अपन 10 बीटा क्यूरिकाई का बता देंगे। 10 बीटा है ना बेटा, रिजल्टेंट वेलोसिटी का एंगल है फाइनल वाली का। ये देखो जो फाइनल वेलोसिटी आपकी जा रही है ये वाला एंगल है बीटा, समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा हाँ, फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बनेगा वी वाई और बेस बनेगा वी एक्स, क्लियर ना? रिजल्टेंट आ जाएगा, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस से जो है वी वाई अपॉन वी एक्स रिजल्टेंट उसका वो आ जाएगा, एंगल आ जाएगा। डी डन, समझ में आ गया? बिल्कुल। चलिए ठीक है, तो बच्चों इतना करिए और आप लोगों से जरूर बनेगा, एक बार आप कॉपी में लगाइए, है ना, आप लोगों से जरूर 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 बनेगा ये टॉपिक, ठीक है? तो काफ़ी बड़ा टॉपिक था, दोनों टॉपिक इसके समाप्त हो चुके हैं, बुक से भी देखना अक्षत आप इसको कल करके लेके आओगे, ठीक है बच्चों? क्लास ओवर करें आज की फिर। जी सर। यस सर। ठीक है बच्चों, गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट बच्चों।